सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी उतारने की तैयारी में है। इस एसयूवी को टाटा ने ब्लैकबर्ड नाम दिया है। टीम बीएसपी फोर्स के एक मैनेजर के मुताबिक टाटा इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को बनाने के लिए चाइनीज एसयूवी चेरी टीगो को बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल कर रही है। चेरी अभी टाटा मोटर्स की सबडायरी जैगुआर लैंड रोवर के साथ 50-50 के जॉइंट वेंचर के तहत है। टाटा की यह गाड़ी ह्युंडई क्रेटा की टक्कर की होगी। टाटा ब्लैकबर्ड के अल्ट्रॉस की तरह अल्फा आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने की संभावना है। इस एसयूवी की कीमत लगभग मार्केट में 5 से 8 लाख रुपए के बीच तक होने की उम्मीद है। अभी इसके इंजन की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इस साल गिनीवा मोटर शो में टाटा मोटर्स ने नई व्हीकल्स शोकेश किए थे। ये सभी व्हीकल भारत में जल्द ही पेश होने वाले हैं। शोकेश किए गए व्हीकल्स में हैरियर का 7 सीटर वर्जन, अल्ट्रॉस हैचबैक और H2X कॉन्सेप्ट शामिल है। टाटा भारत में एक नई माइक्रो एसयूवी भी लॉन्च करने वाली है। इसके बाद टाटा की हर सेगमेंट माइक्रो, सब कॉम्पैक्ट और मिड साइज में एक एसयूवी मौजूद होगी। बचे हुए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्लैकबर्ड शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये ब्लैकबर्ड एसयूवी कार कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक का दोस्तों, तो जल्द से जल्द इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।